मिथुन बॉस फ्रंटलिस पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र का एक प्राकृतिक उपहार जो जंगली गौर का एक पालतू रूप है। ये भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। मिथुन एक प्रकृति प्रेमी पशु है जिसका पशुधन उत्पादन प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है। मिथुन मुख्य रूप से जंगलों में मांस के लिए पाला जाता है। ये स्थानीय जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे एक समारोहिक पशु माना जाता है जिसका सामाजिक समारोहों पर ही वध किया जाता है। मिथुन पालना स्थानीय जनजातीय समाज में एक गर्व की बात है क्योंकि ये मिथुन पालक के सामाजिक स्तर को दर्शाता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए और इसकी कम होती हुई आबादी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 1988 में मेडजेफिमा नागालैंड में किया गया। संस्थान का जनादेश उपलब्ध जननेंद्रिय की पहचान एवं मूल्यांकन करना, मिथुन का मांस एवं दुग्ध उत्पादन में सुधार लाना तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से मिथुन उत्पादन एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। मिथुन के चार उपजातियों अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम की पहचान की गई है। शारीरिक गुणों के आधार पर इन सभी उपजातियों के लक्षण चिन्हित किए गए हैं। इन सभी उपजातियों के गुणसूत्रीय लक्षण का अध्ययन करने के लिए गुणसूत्रीय अध्ययन किया जा रहा है एवं मिथुन के गुणसूत्रों का आर एवं सी बैंड के कैरियोटाइप का बनाया जा चुका है। मिथुन अपने प्राकृतिक वास में घास इत्यादि चरने के बजाय पैरों के पत्तियों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसे सघन प्रणाली में पारंपरिक रूप से उत्पादित चारे एवं दानों को खिलाते हुए भी पाला जा सकता है। अब तक लगभग 200 पारंपरिक एवं अपारंपरिक स्थानीय उपलब्ध खाद्य पदार्थों को पोषक मूल्य के लिए मूल्यांकन किया जा चुका है जिसमें ट्रेमा ओरिएंटलिस के पेड़ों से उपलब्ध चारे में 30% तक प्रोटीन पाया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध आहार में खनिज तत्वों की कमी होती है इसलिए मिथुन में नमक की लालसा होना आम व्यवहार है। इस कारण मिथुन पालकों द्वारा नमक खिलाने की परंपरा है जो मिथुन एवं मिथुन पालकों के बीच विशेष संबंध विकसित करने में मदद करता है। मिथुन के सींग से बने हुए वाद्य यंत्र से निकली हुई एक विशेष प्रकार की धुन सुनकर मिथुन अपने आप पालक के पास दौड़े आते हैं। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र द्वारा क्षेत्र विशेष के लिए विशिष्ट खनिज मिश्रण विकसित किया गया है जो खनिजों की कमी से होने वाली समस्याओं को दूर करता है। मिथुन अत्यंत कम लागत पर अर्थ सघन प्रणाली के अंतर्गत पाले जा रहे हैं। पिछले दो पशु गणना अभिलेख ही से मिथुन की संख्या बढ़ने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। परंतु अंचल के वन क्षेत्र में आती हुई निरंतर कमी चिंताजनक है और यदि ये प्रवृत्ति जारी रही तो जैव विविधता के इस हॉटस्पॉट क्षेत्र में प्रतिकूल असर पड़ेगा। संस्थान ने मिथुन के लिए जंगल की वहन क्षमता का निर्धारण करने का भी प्रयास प्रारंभ किया है जिससे
मिथुन का उच्च घनत्व जंगल की जैव विविधता को प्रभावित न करे। मिथुन को पूर्ण रूप से सघन प्रणाली में पालने का भी प्रयास किया गया है और कम लागत में मिलने वाले औद्योगिक इकाइयों के उपचार जैसे ब्रेवरीज से उपलब्ध स्पेंट ग्रेन, फल प्रसंस्करण उद्योग से उपलब्ध फलों का गुदा आदि का प्रयोग करके मिथुन पालन को सघन पालन प्रणाली में व्यवहारपूर्ण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वनस्पतियों, पुआल और दानों का प्रयोग करके फीड ब्लॉक निर्मित किया गया है तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध घासों एवं संतरे के पल्प से साइलेज बनाया गया है, जिससे सघन प्रणाली में मिथुन की खाद्य लागत कम की जा सके। अत्यधिक व्यात अंतराल मिथुन के प्रजनन एवं विकास में एक बाधा है, इसलिए संस्थान के नियत समय पर कृत्रिम गर्भधारण करने के लिए स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल विकसित किया गया है, जिससे वर्ष के किसी तय समय पर मिथुन बच्चों को पाया जा सके और अधिक व्यात अंतराल की समस्या पर नियंत्रण किया जा सके। मिथुन के रक्त में प्रोटीन एवं गैर प्रोटीन हार्मोन उपस्थिति के जांच के लिए अति संवेदनशील एंजाइम इम्यूनेस विकसित एवं वैधिकृत किया गया है और इस प्रक्रिया में आने वाली लागत बाजार में उपलब्ध अन्य व्यावसायिक तरीकों से कम है। मिथुन सार से वीर्य संग्रह करना एक अंतर्निहित समस्या है, अतएव सार से आसानी से वीर्य संग्रह के लिए एक विधि विकसित की गई है, जिसमें मधमती गाय के मूत्र को इकट्ठा कर संरक्षित कर लिया जाता है और गैर मधमती गाय के पीठ पर छिड़क कर सार को आकर्षित कर वीर्य एकत्रित किया जाता है। मृत मिथुन सारों के शुक्राशय से भी शुक्राणुओं को संग्रह करने की विधि विकसित की गई है, जिससे उच्च गुणवत्ता के मिथुन की मृत्यु के पश्चात भी वीर्य संरक्षित किया जा सकता है। ट्रेस अंडपीत तनुकारक का प्रयोग करके मिथुन वीर्य का अतिशीतन परीक्षण विधि संस्थान द्वारा विकसित एवं मानकीकृत की गई है और इसी विधि द्वारा गर्भित मादा मिथुन से सन 2010 के 6 मई को कोहिमा जनपद के खोनुमा गांव के किसान ने प्रथम बछड़ा प्राप्त किया है। हालांकि संस्थान के मिथुन फार्म में सन 2006 के जुलाई के महीने में कृत्रिम गर्भधारण के माध्यम से प्रथम बछड़े को प्राप्त किया था। कुछ रुमेन माइक्रोब्स जिससे मिथुन रेशेदार चारों को भी भलीभांति पचा सकता है उन्हें चिन्हित किया गया है तथा रोमोनोकोक्स, फ्लेवेफेसियंस तथा प्रिवोटेला एल्वेंसिस जिसे मिथुन रुमेन से प्राप्त किया गया है उन्हें एक अलग उपसमूह में रखा गया है। At present, farmers are raising this animal in a very peculiar way. If you ask me in one sentence what is the production system, I will tell that mithun is being raised by a human being, by taking care of nature. They fully depend upon the nature for their upkeep. So this animal has got a tremendous potential to bring in as a viable component of the livestock production system for obvious reason, because it has got very high quality meat, high quality milk, and its hides is also is of very high quality, wherefrom you can make very good finished leather products. मिथुन पालन को एक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए संस्थान ने मिथुन के दूध, मांस एवं चमड़ों से बनने वाले उत्पादों को बनाने का तरीका विकसित एवं मानकीकृत किया है। मिथुन को भारवाही पशु के रूप में उपयोग में लाने के लिए मिथुन की क्षमता का भी आंकलन किया गया है और ये पाया गया है कि ये दूरस्थ गांवों में ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने 15 विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान प्राप्त किया है, जिनमें से प्रमुख है फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार,
जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, युवा जैव प्रौद्योगिकीय पुरस्कार, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस द्वारा दिया जाने वाला युवा वैज्ञानिक पुरस्कार एवं भारतीय साइंस कांग्रेस द्वारा दिया जाने वाला डॉक्टर श्रीमती गौरी गांगुली पुरस्कार। संस्थान के वैज्ञानिकों को नोबेल लॉरेट युवा शोधकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी में भी आमंत्रित किया गया है। आज संस्थान मानव संसाधन विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है। संस्थान तकनीकी प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे मिथुन त्योहार, किसान सम्मेलन, किसान मेला, किसान कार्यशाला आदि का आयोजन करता रहता है, जिससे संस्थान द्वारा विकसित तकनीक किसानों तक पहुंचाई जा सके। जनजातीय समूह के सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को तथा प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए मिथुन के जननेंद्रिय का संरक्षण और उत्पाद लक्षणों के उन्नयन का प्रयास संस्थान द्वारा ही किया जा रहा है। आशा है मिथुन पालन की एक सघन या अर्थसघन प्रणाली का विकास किया जा सकेगा, जो मिथुन को पर्वतीय परिस्थिति की तंत्र में एक बहुद्देशीय पशु घटक के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।